मुझे तो लग ही नहीं रहा कि एक साल हो चुका है कल की बात है जब हम एंट्री कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है और जो हमने वहाँ पे जर्नी निकाली है साढ़े चार महीने लगता ही नहीं कि वो यू नो एक साल पुरानी बात है ऐसा लगता है कि कल की बात है तो अच्छा लगता है सोच के लेकिन अभी बिग बॉस फोर्टीन शुरू हो चुका है तो मैंने बिग बॉस फोर्टीन के स्टार्टिंग के दो एपिसोड देखे उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था तो बिग बॉस फोर्टीन में जो मैंने देखा है अभी तक वो सिर्फ यही देखा है कि शुक्ला ही चमक रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस थर्टीन ही चल रहा है बस वहाँ पर शुक्ला की जगह बाकी जितने कंटेस्टेंट सब हट गए हैं और वो ही चल रहा है तो थोड़ा सा मोनटोनस है मेरे लिए मतलब कि कुछ नया नहीं दिखा मुझे क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ पे दो दिन में जो मैंने देखा बाकी मुझे आगे का नहीं पता जो मैंने देखा कि Uh, सिद्धार्थ शुक्ला हिना और गौहर इन बच्चों को जो आए हैं नए कंटेस्टेंट जो आए हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली तो डायरेक्ट करना किसी को इज नॉट बिग बॉस बिग बॉस इज इंडिविजुअलिटी आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी होती है आपको अपने बारे में दिखाना होता है कि आप कैसे हो तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगा और बाकी शुक्ला है वहां पे तो वो अकेले एंटरटेन कर रहा है तो इस वजह से हमने देख लिया That's क्या, it. क्या मानते हैं कि जो जो इतिहास बिग बॉस ने रचा उस उस सीजन ने रचा उसको तोड़ पाना या उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल जी बिग बॉस तेरह में जो हमने कांड किए और बिग बॉस तेरह का जो टीआरपी गया था और बिग बॉस तेरा जो इतना फेमस हुआ था मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी सीजन उसको तोड़ पाएगा पर मैं चाहूंगा कि बिग बॉस हमेशा हिट जाए क्योंकि मेरा फेवरेट शो मुझे सब कुछ बिग बॉस नहीं दिया है आज की डेट में मैं जो हूँ वो बिग बॉस की वजह से हूँ लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं और जो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल पाया तो मेरी यही प्लानिंग प्लानिंग भी मेरी यही थी कि मैं बिग बॉस के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको दोगे तो वो आपको देगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यू वॉन्ट गेट एनीथिंग आप बिग बॉस को नाश मार रहे हो तो उससे ऐसा होता है कि आगे आने वाले कंटेस्टेंट्स एक्टर्स जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि क्या यार बेकार था लास्ट सीजन इस सीजन हर कोई खुशी खुशी क्या होगा कि मैं बिग बॉस जाना बिग बॉस जाना है क्योंकि बिग बॉस थर्टीन बहुत हिट गया था अब बिग बॉस फोर्टीन अगर मतलब भगवान करे ऐसा क्योंकि मेरा बिग बॉस वालों से बहुत प्यार है कलर्स वालों से बहुत प्यार है मैं चाहता हूँ कि शो बहुत हिट जाए पर जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको तो मैं मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूं तो मैं बोल के करूँगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है शुक्ला की हीना की या किसी की भी गौहर की तो आप उस पर बात करो उस पर मना कर दो आप वो करो क्योंकि वो आपका शो है भी तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे अपने तरीके से खेलना चाहिए दूसरों के तरीके से नहीं पवित्रा ने बहुत कुछ कहा आपने हाँ मुझे पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में अंदर जाने से पहले बहुत कुछ बकवास मार के गई पहली बात तो उसका नाम बहुत गलत है पवित्र 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 तो वो बिल्कुल भी नहीं है अपवित्र होना चाहिए अगर होना चाहिए तो नहीं तो और ऊपर से जो वो बकवास मार के गई मेरे बारे में उसने अपने आप को अंदर ही पहले दिन ही गलत प्रूफ कर दिया जहाँ पे वो मुझको धोखेबाज बोल रही थी कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ उसने खुद ही अंदर जाके बोल दिया कि आई वॉज डबल डेटिंग पारस तो किस टाइप की लड़की है वो और ये बात तो मैंने कभी बाहर ही निकाली थी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था तो ब्रेकअप का रीज़न ही यही था कि डबल डेटिंग हो रही थी प्लस शी वॉज मैरिड तो जब शादीशुदा हो तो फिर रिलेशन में आने की जरूरत क्या आपने ये पवित्रा एक इंटरव्यू में बोल के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी ऑफ कोर्स तो मैं सबसे बड़ी तुम्हारी गलती था कि, कि तुम शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद आप मेरे रिलेशनशिप में थे तो ये सबसे बड़ी गलती थी या yeah, राइट right. तंबोली है वहाँ पे तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ 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 कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स की तो एक्स जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी उसकी जो मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की यू नो कोशिश करती कॉपी करने की लाइक like, बच्चा बनना या या वो सब तो वो ठीक था मुझे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये या ऐसी तो नहीं है क्योंकि जब बिग बॉस थर्टीन में वो आई थी दो बारी एज अ एज अ गेस्ट तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनलिटी दिखाई थी लेकिन फिर भी मैं जैसमिन को गलत नहीं बोलूँगा जैसमिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर चीज़ पर स्टैंड लेना हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे तो मुझे लगता है कि जैसमिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त फिलहाल एजाज़ एजाज 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 को मैंने स्टार्टिंग में दो दिन देखा मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है लड़कियों को छूता नहीं है और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि जो वो नहीं करता शायद वो वो कर रहा है तो विच इज़ ग्रेट तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए एक लव एंगल निकल रहा है के बीच में। ओ अगर ये लव एंगल निकल रहा है तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी ज़िंदगी सही रहे वरना ये बंदे की तो ज़िंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा तो ये पवित्र से अब अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा इतना अच्छा लड़का है जहाज़ और हमने उनको पहले भी देखा है टी वी और काफ़ी अच्छा काम करते हैं अब काफ़ी काफ़ी नोन है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जान कुमार सानू राहुल वेद्या राहुल वेद्या इज़ अ ग्रेट सिंगर हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है और फ और मैं राहुल वैद्य को भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र अप के साथ बैठ के बात कर रहे थे और वो बता रही थी कि यू you नो know, मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे जहाँ पे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है लेकिन घर पे जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा पर वो जो वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज है वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी सो दैट वाज अ थिंग वो अपने लिए बात करी थी दूसरों लिए नहीं। okay, house, आप शूट के लिए बहुत ही जल्दी अभी तो मैंने म्यूजिक लेबल ऑन किया है और म्यूजिक लेबल भी मैंने ऑन क्यों किया है क्योंकि किसी ने बोला था कि पारस में वो कैलिबर नहीं है और वो किसी अगर वो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि कैलिबर बेटा कितना है तुम्हारे सामने प्रोडक्शन हाउस खड़ा करूंगा और तुम्हारे आगे ही आऊँगा अब मैं एक्टर नहीं हूँ तुम्हारे जैसा ही हूँ तो कैलिबर इतना है मेरे अंदर मेरे अंदर अभी तो मैं म्यूज़िक वीडियोज़ बना रहा हूँ जनवरी फेबररी से मूवीज़ भी बनेंगी और वेब सीरीज़ भी बनेंगी क्योंकि यही मेरा प्लान था